नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर को कुछ अवधि के लिए पर्यटकों के दर्शनों के लिए बंद किया जा रहा है। यह जानकारी मंदिर कमेटी ने एक प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। मंदिर कमेटी ने बताया कि अधीक्षक पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के आदेशानुसार आगामी 1 से 15 अक्टूबर 24 तक गुफा में ऑक्सीजन की कमी के कारण उक्त अवधि के लिए गुफा को अग्रिम आदेशों तक किसी भी दर्शनार्थी के दर्शन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। पिथौरागढ़ में भक्ति योग फाउंडेशन द्वारा सावन महोत्सव, धार्मिक मेला एवं श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन का आयोजन आगामी 1 अगस्त से होगा। यह जानकारी भक्ति योग फाउंडेशन के संस्थापक दा सूरज प्रकाश जोशी ने देते हुए बताया कि भक्ति भाव एवं भजन संगीत के व्यापक प्रचार डॉट प्रसार के उद्देश्य को लेकर 1 से 26 अगस्त तक धार्मिक मेले का आयोजन सुमंगलम बैंक्वेट हॉल परिसर में किया जा रहा है। बताया कि मेला प्रतिदिन प्रातः 10 बजे रात्रि 8 बजे तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन प्रवचन, सत्संग, भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम, छलिया नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, भजन संध्या आदि का आयोजन किया जाएगा। साथ ही धार्मिक पुस्तकों, आयुर्वेदिक औषधियों, धार्मिक वाद्य यंत्रों व धार्मिक पूजन सामग्री के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक समाज सेवी रामचंद्र भट्ट ने बताया कि 1 अगस्त गुरुवार को इस धार्मिक मेले का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से मेले में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया है। इधर पिथौरागढ़ के बूढ़ा केदार मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई। कथा का वाचन पंडित पुरुषोत्तम जोशी द्वारा किया जा रहा है, जिसका पारायण आगामी 5 अगस्त को हवन यज्ञ व विशाल भंडारे के आयोजन साथ किया जाएगा। आयोजक समस्त ग्रामवासियों ने अधिक से अधिक लोगों से मंदिर पहुंचकर कथा श्रवण करने के साथ पारायण अवसर पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया है। हंस फाउंडेशन के भोले जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर पिथौरागढ़ के निराश्रित बालिका गृह कनालीछीना विकास खंड के लवांठी, सिरौली, सीमार, सज्जन लाल सोसाइटी, गुंगाछीना, बलुवाकोट, बेरीनाग, चामाचौड़, कुजनपुर, गंगोलीहाट में केक काटने सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों द्वारा धूमधाम से मनाया गया और उनके दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही विभिन्न स्थानों पर बच्चों में पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में किशन भंडारी, राकेश देवलाल, दिनेश कापड़ी, विजेंद्र मेहर, अनिल महरा, राजेंद्र चिलकोटी, कमल किशोर, जीवन ठाकुर, दिवाकर रावल, ललित उपरेती सहित दर्जनों सदस्यों शामिल हुए। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों के सीमा क्षेत्र में अत्यंत ऊंचाई पर स्थित बासुकीनाग मंदिर में पेयजल समस्या के चलते वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र बल्लभ पांडे ने बताया कि तीनों जनपदों का प्रमुख आस्था के केंद्र बासुकीनाथ में विगत कुछ वर्षों से धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में यहां श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हुई है, पर मंदिर में पानी की किल्लत के चलते श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ता है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु नीचे के गांवों से पानी ढोकर ले लाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यहां पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, पर पानी की समस्या बनी रहती है। सामाजिक कार्यकर्ता पांडे ने बताया कि बासुकीनाग के नाम एक पेयजल पंपिंग योजना बनाई जा रही है, पर योजना के तहत पानी मंदिर तक अभी नहीं पहुंचा है। उन्होंने शासन प्रशासन से धार्मिक स्थल में पेयजल समस्या को दूर किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के तिलडुकरी स्थित डाक विभाग के आवासीय परिसर की दीवार ढहने से स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के संयोजक के परिवार के सम्मुख परेशानी खड़ी हो गई है। दीवार का मलबा खेत से होकर मकान की छत तक पहुँच गया है, जिससे खतरा बना हुआ है।
पीड़ित संयोजक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन केशव दत्त भट्ट ने आपदा प्रबंधन अधिकारी और डाक अधीक्षक को पत्र भेज कहा है कि आवासीय परिसर का मलबा खेत से होकर उनके मकान की छत तक पहुंच गया है। मकान को खतरा पैदा हो गया है और घर की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से स्थल का निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की मांग की है। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में आज पिथौरागढ़ के बीरनाथ में ग्राम प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय बीरनाथ में 1 घंटे तक तालाबंदी की और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर ग्राम प्रधानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। साथ ही उन्होंने आगामी 3 अगस्त को सीएम आवास देहरादून भी कूच करने की बात कही है। तालाबंदी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर कार्यालय का ताला खुलवा दिया था। इस मौके पर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष मनोज कार्की ने बताया कि चैनल के माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे प्रधान संगठन की तरफ से जो प्रदेश से हमारे आदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आया है कि पूरे जिले में पूरे प्रदेश में तालाबंदी का आयोजन किया गया है। उसी के तहत हम भी यहाँ पर आज तालाबंदी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारा कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़े, जो कि कोविड के कारण हम अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाए। हमें सरकार पर और पंचायती राज मंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांग सुनेंगे और सकारात्मक पहल होगी। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।